जय माता दी। माँ महागौरी आप सभी की रक्षा करें और आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे माँ महागौरी की संपूर्ण व्रत कथा, पूजन मंत्र, आरती और सबसे अंत में की जाने वाली क्षमा याचना के बारे में। नवरात्रि की अष्टमी तिथि माँ भगवती के माँ महागौरी रूप को समर्पित होती है। इस दिन विधि विधान से सुबह के समय माँ महागौरी की पूजा की जाती है और जिन भक्तों के यहाँ आज के दिन कन्या पूजन होता हो उनके यहाँ सुबह विधि विधान से पूजा अर्चना करके हवन करके फिर कन्या पूजन किया जाता है। और जिन भी भक्तों के यहाँ नवमी तिथि को कन्या पूजन किया जाता है वहाँ पर अष्टमी तिथि के दिन भी सारा दिन और सारी रात उपवास रखा जाता है। ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि देवी पार्वती एक बार भगवान शिव से नाराज हो गई थी क्योंकि भगवान शिव ने हास परिहास में उन्हें काली कलूटी कह दिया था। और उसके बाद देवी पार्वती ने बहुत कठिन तपस्या की और उन्होंने ये कठिन तपस्या श्री ब्रह्मा जी से वरदान पाने के लिए की थी। तब जाकर ब्रह्मा जी से मिले वरदान के बाद उनका जो वर्ण था वो अत्यंत गौर हो गया जिसके बाद से वो महागौरी के नाम से विख्यात हुई। आप देवी पार्वती की जो माँ महागौरी के रूप की कथा सुनते हैं आपने बहुत बार सुनी होगी लेकिन वो सारी कथाएं बहुत ही संक्षेप में होती हैं और जो विस्तार पूर्वक कथा है वो आपको केवल शिव महापुराण कथा में सुनने को मिलेगी जिसमें से विस्तार पूर्वक कथा आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ। कृपया आप आज की इस कथा को जरूर सुनिएगा। इसके बाद आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। पौराणिक कथा के अनुसार शुंभ और निशुंभ नाम के दो दैत्य उत्पन्न हुए। वे परस्पर भाई थे। उनके तपोबल से प्रभावित होकर परमेष्ठी ब्रह्मा जी ने उन दोनों भाइयों को ये वरदान दिया था कि इस जगत के किसी भी पुरुष से तुम मारे नहीं जा सकोगे। तब उन दोनों ने श्री ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि पार्वती जी के अंश से उत्पन्न जो अयोनिजा कन्या उत्पन्न हो जिसे पुरुष का स्पर्श और रति नहीं प्राप्त हुई हो और जो अलंग की पराक्रम से संपन्न हो उसके प्रति काम भाव से पीड़ित होने पर हम युद्ध में उसी के हाथों मारे जाएं। और उनकी इस प्रार्थना पर श्री ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उन्हें वे वरदान दे दिया। तभी से युद्ध में देवराज इंद्र आदि देवताओं को जीतकर उन दोनों दैत्यों ने जगत को अनीति पूर्वक वेदों के स्वाध्याय से रहित कर दिया। तब ब्रह्मा जी ने उन दोनों के वध के लिए एक बार भगवान शिव से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे प्रभु, हे भोलेनाथ, आप एकांत में देवी की निंदा करके जैसे भी हो सके उन्हें क्रोध दिलाइए और उनके रूप रंग की निंदा से उत्पन्न हुई काम भाव से रहित कुमारी स्वरूपा शक्ति को निशुंभ और शुंभ के वध के लिए देवताओं को अर्पित कीजिए। श्री ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शिव ने एकांत में ले जाकर देवी पार्वती की निंदा सी करते हुए मुस्कुराकर कहा कि देवी तुम तो काली हो। तब सुंदर वर्ण वाली देवी पार्वती अपने श्याम वर्ण के कारण ये आक्षेप सुनकर बड़ी क्रोधित हो गई और भोलेनाथ से मुस्कुराकर समाधान रहित वाणी में बोली कि प्रभु, अगर मेरे इस काले रंग पर आपका बिल्कुल भी प्रेम नहीं है तो इतने लंबे समय से आप अपनी शिक्षा का दमन क्यों करते रहे। कोई स्त्री कितनी ही सर्वांग सुंदरी क्यों ना हो, अगर पति का उसके प्रति प्रेम ना हुआ तो अन्य समस्त गुणों के साथ उसका तो जन्म लेना ही व्यर्थ हो जाता है। और आपने मेरे जिस रूप रंग की निंदा की है, जिस रूप रंग की इस एकांत में निंदा की है, अब मैं उस वर्ण को त्याग कर दूसरा वर्ण ग्रहण करूंगी या फिर मैं स्वयं ही मर जाऊंगी। ऐसा कहकर देवी पार्वती शैया से उठकर खड़ी हो गई और तपस्या के लिए दृढ़ निश्चय करके गदगद कंठ से जाने की आज्ञा मांगने लगी। इस प्रकार प्रेम भंग होने से भयभीत होकर भोलेनाथ स्वयं भगवानी को प्रणाम करते हुए बोले कि हे प्रिय, मैंने तो हास परिहास में आपसे ये बात कह दी थी, मेरे इस अभिप्राय को ना जानकर तुम कुपित क्यों हो गई हो। अगर आपका मुझ पर प्रेम नहीं होगा तो बताओ मेरा किस पर हो सकता है। तुम इस जगत की माता हो और मैं पिता हूँ, मैं अधिपति भी हूँ, फिर तुम पर मेरा प्रेम ना होना भला कैसे संभव हो सकता है। हम दोनों का वह प्रेम भी क्या कामदेव की प्रेरणा से हुआ है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कामदेव की उत्पत्ति से पहले ही जगत की उत्पत्ति हुई है और कामदेव की सृष्टि तो मैंने साधारण लोगों की रति करने के लिए की है। कामदेव मुझे साधारण देवता के समान मानकर मेरा कुछ कुछ तिरस्कार करने लगा था, इसलिए मैंने उसे भस्म कर दिया और हम दोनों का ये लीला विहार भी जगत की रक्षा करने के लिए ही है। अतः उसी के लिए आज मैंने तुम्हारे प्रति ये परिहास पूर्वक बातें कह दी और मेरे इस कथन की सत्यता कि मैंने तुम्हें काली कलूटी क्यों कहा जल्दी ही तुम्हें पता चल जाएगी। तब देवी कहने लगी, हे भगवान, पति के प्यार से वंचित होने पर जो नारी अपने प्राणों का भी परित्याग नहीं कर देती वह कुलांगना और शुभ लक्षणा होने पर भी सत्पुरुषों द्वारा निंदित ही समझी जाती है।
मेरा शरीर गौरवर्ण का नहीं, इस बात को लेकर आपको बड़ा दुख होता है। नहीं तो क्रीड़ा में या परिहास में भी आप मुझे इस प्रकार काली कलूटी क्यों कहते? मेरा कालापन आपको प्रिय नहीं है, और इसलिए अब यह सत्पुरुषों द्वारा भी निंदित है। अब तपस्या द्वारा इसका त्याग किए बिना मैं यहाँ रह ही नहीं सकती। देवी को क्रोधित हुआ देखकर भगवान शिव बोले, देवी अगर अपनी शांता को लेकर तुम्हें इस प्रकार दुख हो रहा है तो इसके लिए तुम्हें तपस्या करने की भला क्या आवश्यकता है? तुम मेरी या अपनी इच्छा मात्र से दूसरे वर्ण की हो जाओ। तो देवी कहने लगी, प्रभु मैं आपसे अपने रंग का परिवर्तन नहीं चाहती और खुद भी इसे बदलने का संकल्प नहीं ले सकती। अब तो तपस्या द्वारा श्री ब्रह्मा जी की आराधना करके ही मैं शीघ्र गौरी हो जाऊंगी। अब भगवान शिव देवी को समझाते हुए कहने लगे, महादेवी पूर्व काल में मेरी ही कृपा से तो ब्रह्मा जी को भी ब्रह्म पद की प्राप्ति हुई थी, इसलिए तपस्या द्वारा तुम उन्हें बुलाकर फिर क्या करोगी? तो देवी कहने लगी, भोलेनाथ इसमें संदेह नहीं कि ब्रह्मादि समस्त देवताओं को आपसे ही उत्तम पदों की प्राप्ति हुई है, फिर भी आपकी आज्ञा पाकर अब मैं तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी की आराधना करके ही अपनी मनवांछित इच्छा पूर्ण करना चाहती हूँ। देवी के ऐसा कहने पर भगवान शिव मुस्कुराते हुए से मौन हो गए। देवताओं का कार्य सिद्ध करने की इच्छा से ही उन्होंने देवी को रोकने के लिए बिल्कुल हठ भी नहीं किया। फिर पतिव्रता देवी पार्वती पति भगवान शिव की परिक्रमा करके उनके वियोग से होने वाले दुख को किसी तरह रोककर हिमालय पर्वत पर चली गईं। उन्होंने पहले सखियों के साथ जिस स्थान पर कठिन तपस्या की थी उस स्थान से उनका विशेष प्रेम हो गया था, इसलिए इस बार भी उन्होंने उसी स्थान को तपस्या के लिए चुना। अब देवी कठिन तपस्या में लीन रहने लगी। इस तरह तपस्या करते करते जब बहुत समय बीत गया तब एक दिन बहुत बड़ा व्याघ्र वहां उनके आसपास देखा गया। आया तो वह देवी को खाने के लिए था, लेकिन देवी पार्वती के नजदीक आते ही उस दुरात्मा का शरीर स्थिर हो गया, वह जड़ हो गया, एक जगह पर खड़ा रह गया, हिल डुल भी नहीं सका। देवी पार्वती ने भी देखा कि एक भूखा व्याघ्र उन्हें खाने की इच्छा से उनके सामने खड़ा हुआ है, लेकिन ये सब देखकर भी देवी बिल्कुल विचलित नहीं हुई, बल्कि वह पहले की तरह ही तपस्या में लीन रह गई। उधर उस व्याघ्र के सारे अंग अकड़ गए और भूख से वह अत्यंत पीड़ित हो रहा था। ये सोचकर कि यही मेरा भोजन है, वो लगातार देवी की तरफ ही देख रहा था। देवी के सामने खड़ा खड़ा वह व्याघ्र उनकी उपासना सी करने लगा। इधर देवी के मन में सदा यही भाव आता कि ये व्याघ्र तो मेरा उपासक है और हो ना हो यहाँ के दुष्ट वन जंतुओं से रक्षा करने के लिए यहाँ पर आया है। ये सोचकर वे उस पर कृपा करने लगी। उन्हीं की कृपा से उस व्याघ्र के तीनों प्रकार के मल तत्काल नष्ट हो गए। फिर तो उस व्याघ्र को सहसा देवी के स्वरूप का बोध हुआ, उसकी भूख मिट गई और उसके अंगों की जड़ता भी दूर हो गई, साथ ही उसकी जन्मसिद्ध दुष्टता भी नष्ट हो गई और उसे निरंतर तृप्ति बने रहने लगी। अब वह देवी के आसपास आने वाले दुष्ट वन जंतुओं को खदेड़ता हुआ उस तपोवन में विचरने लगा। इधर तपस्या में लीन देवी की तपस्या बढ़ी और तीव्र से तीव्रतर होती गई। उनकी इस कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर श्री ब्रह्मा जी वहां पधारे। देवी ने उनके योग्य अर्घ देकर उनका स्वागत सत्कार किया। बदले में उनका भी सत्कार और अभिनंदन करके ब्रह्मा जी अनजान की तरह देवी की तपस्या करने का कारण पूछने लगे। बल्कि स्वयं श्री ब्रह्मा जी ने ही तो भोलेनाथ को ऐसा करने के लिए कहा था। जब अनजान की तरह श्री ब्रह्मा जी पूछने लगे तो देवी कहने लगी, हे ब्रह्मा जी मेरे शरीर में जो ये कालापन है इसे सात्विक विधि से त्याग कर मैं गौरवर्णा होना चाहती हूँ। तब ब्रह्मा जी बोले, देवी बस इतने ही प्रयोजन के लिए आपने इतनी कठिन तपस्या की, ऐसा क्यों किया? क्या इसके लिए आपकी इच्छा मात्र ही पर्याप्त नहीं थी, या फिर आपकी यही एक कोई लीला है? अगर आपकी ये भी कोई लीला है तो आप इसके द्वारा मेरे एक अभीष्ट फल की भी सिद्धि कर दीजिए। देवी निशुंभ और शुंभ नामक दो दैत्य हैं, उन्हें मैंने वरदान दे रखा है, इससे उनका घमंड बहुत बढ़ गया है और वे देवताओं को सता रहे हैं। उन दोनों को आपके ही हाथ से मारे जाने का वरदान प्राप्त हुआ है, इसलिए अब देर करने से कोई लाभ नहीं। अब आप क्षण भर के लिए सुस्थिर हो जाइए, आपके द्वारा जो शक्ति रची या छोड़ी जाएगी वही उन दोनों के लिए मृत्यु हो जाएगी। ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर गिरिराज कुमारी देवी पार्वती सहसा अपनी काली त्वचा के आवरण को उतारकर गौरवर्णा हो गई। काली त्वचा में आवरण रूप से त्यागी गई जो उनकी शक्ति थी उसका नाम कौशिकी हुआ और वह काले मेघ के समान कांति वाली कृष्णवर्णा कन्या हो गई। देवी की वह मायामयी शक्ति ही योग निद्रा और वैष्णवी कहलाती है। उनकी आठ बड़ी बड़ी भुजाएं थी जिसमें उन्होंने शंख चक्र और त्रिशूल आदि आयुध धारण कर रखे थे।
फिर देवी ने अपनी सनातन शक्ति को श्री ब्रह्मा जी के हाथ में दे दिया और वही देवी शुंभ और निशुंभ का वध करने वाली हुई। तब ब्रह्मा जी ने देवी को सवारी के लिए प्रबल सिंह प्रदान किया जो कि उनके साथ ही आया था। उस देवी के रहने के लिए श्री ब्रह्मा जी ने विंध्यगिरी पर वास स्थान दिया और वहां नाना प्रकार के उपचारों से उनकी पूजा की। फिर देवी ने श्री ब्रह्मा जी से उस व्याघ्र के लिए भी प्रार्थना की और कहा कि हे ब्रह्मा जी, ये व्याघ्र अब मेरी शरण में आ गया है, इसलिए अब मैं इसका त्याग नहीं कर सकती, इसलिए अब इस व्याघ्र को भी मेरे साथ रहने की ही आज्ञा प्रदान करें। अब देवी गौर वर्ण धारण करके अपने पति के पास अर्थात कैलाश पर्वत की ओर वापस चल दी। भोलेनाथ के पास पहुंचकर देवी ने उनसे कहा कि देव, यह व्याघ्र मैं आपके लिए भेंट लाई हूँ, आप इसे देखिए, इसके समान मेरा उपासक दूसरा कोई नहीं और इसने दुष्ट जंतुओं के समूह से तपोवन में मेरी रक्षा की थी और ये तो मेरा अनन्य भक्त है और जरा देखिए तो मेरी प्रसन्नता के लिए ये अपना देश छोड़कर भी यहाँ आ गया है। महेश्वर, अगर आपको मेरे आने से यहाँ प्रसन्नता हुई है और अगर आप मुझसे अत्यंत प्रेम करते हैं तो मैं चाहती हूँ कि ये व्याघ्र नंदी की आज्ञा से मेरे अंतःपुर के द्वार पर अन्य रक्षकों के साथ रहकर उन्हीं के चिन्ह धारण करके सदा स्थिर रहे। जब भगवान शिव ने कहा कि देवी मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, फिर तो ऐसा कहते ही वह व्याघ्र उसी क्षण लचकती हुई स्वर्ण जटित बेत की छड़ी, रत्नों से जटित विचित्र कवच, सर्प की सी आकृति वाली छुरी और रक्षकोचित वेश धारण करके गणाध्यक्ष के पद पर प्रतिष्ठित दिखाई दिया। उसने उमा सहित महादेव और नंदी को भी आनंदित किया था, इसलिए वह व्याघ्र सोम नंदी नाम से विख्यात हुआ। जय माता दी। ये थी माँ महागौरी की विस्तार पूर्वक कथा। आइए अब जानते हैं माँ महागौरी के विशेष पूजन मंत्रों और आरती के बारे में। माँ महागौरी का पूजा मंत्र, ओम देवी महागौर्ये नमः। प्रार्थना, श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचिः महागौरी शुभम दद्यान् महादेव प्रमोददा। स्तुति मंत्र, या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ की आरती, ओम जय जय महागौरी मैया जय जय महागौरी निशिदिन ध्यावत तुमको हरि ब्रह्मा शिव जी जय जय महागौरी डमरु त्रिशूल धारणी पापों का नाश करे वृषभ वाहन पर विराजे माँ कल्याण करे ओम जय जय महागौरी श्वेत वस्त्र माता का छवि है मन भावन सच्चे मन से पुकारो मैया देगी दर्शन ओम जय जय महागौरी गौर वर्ण मैया का साधक रहे प्रसन्न श्रद्धा पुष्प चढ़ाओ पावन कर दो मन ओम जय जय महागौरी अष्टमी नवरात्र में पूजा माँ की करो माँ विपदा है मिटाती माँ का ध्यान धरो ओम जय जय महागौरी अवतार लियो दक्ष के घर में लीला निराली की शिव बैरागी खोए मोहिनी थी डाली ओम जय जय महागौरी शरणागत की रक्षक माता भवानी तुम सुन लो माता अर्जी आए द्वार तुम्हारे हम ओम जय जय महागौरी मंदिर में माँ तेरे सदा ही सुख बरसे अन्न धन सब माँ पावे अपूर्ण नर न रहे ओम जय जय महागौरी माँ महागौरी की आरती जो जन नित गावे भव सिंधु से तरे वो दुख सब मिट जावे ओम जय जय महागौरी ओम जय जय महागौरी मैया जय जय महागौरी निशदिन ध्यावत तुमको हरि ब्रह्मा शिव जी
ओम जय जय महागौरी, मैया जय जय महागौरी। क्षमा याचना। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। अपनी भक्त समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आवाहन करना नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती, क्षमा करो। हे देवी, हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो आपकी शरण में जय जगदम्बे कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आई हूँ, इस समय दया की पात्र हूँ, आप जैसा चाहे वैसा करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रम होने के कारण मैंने जो कुछ भी कम या अधिक कर दिया हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे सच्चिदानंद स्वरूपी परमेश्वरी, हे जगन माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तुओं की रक्षा करने वाली हो, मेरी पूजा को ग्रहण करो और आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।